Evening with Nisha. Assalamu alaikum, hello everyone, I am Nisha Hunain, welcome to my show Evening with Nisha. आज हमारे साथ बहुत ही प्यारा क्यूट सा कपल मौजूद है जिससे मैं आपको अभी थोड़ी देर में मिलवाऊंगी, लेकिन लेट मी डू द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. बहुत ही प्यारे, हैंडसम, गुड लुकिंग हमारे साथ एक कपल मौजूद है. ही इज़ एन एक्टर एंड ऑल्सो एन डायरेक्टर. लेट्स वेलकम मिस्टर उमैर खान. अस्सलाम वालेकुम. एंड मिसेस उमैर खान ऑल्सो. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं सदर? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, बिकॉज आई नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल और आपने हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. सबसे पहले उमैर, आपकी एक्टिंग के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताएं कि आप इतनी प्यारी सी, खूबसूरत सी, कहाँ से ढूंढ के लेकर आए आप सदर? बस कर दें, इतनी सारी बातें नहीं कहते होते फिर आपके जाने के बाद मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ जी सदर, ये तो 14 साल के बाद भी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ नहीं कर सकती. राइट राइट. लेकर कहाँ से आए, बस अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था तो मिल गई मुझे कहीं. मैंने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, बस उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गले पड़ गई. और मैंने भी सवाब कमा लिया ना. Right. सवाब कर दिया मैंने. Right. कितने साल हो गए आपकी शादी को? तकरीबन 14 years, माशाल्लाह. वाओ, मतलब ये सेहत का क्या राज है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के साथ? सेहत का राज ये है कि आपको बड़ी लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए होती हैं जी, और बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है, अदरवाइज right. नहीं. आप वही रोटी और ऑयल और पराठे और वो सारी चीज़ें खाते रहे और बोले कि मैं पतली नहीं हो रही, मैं तो खाती नहीं हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है. Right. कि बच्चे का बच्चा हुआ आप खा रही है, मियाँ का बच्चा हुआ आप खा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने लाइफस्टाइल को जिप लगानी पड़ती है. जिप लगानी पड़ती है. खाना सामने आया तो आप कैन नो. ओह माय गॉड, बड़ा मुश्किल. हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज. ओके. हमारे यहाँ ये होता है, लाइक अमूमन हम क्या करते हैं कि भाई ये कहते हैं ना कि भाई रिस्क ज़ाया ना हो, तो भाई चलो अम्मी ने फिनिश कर लिया, और अम्मा ही करती है ज़्यादातर. लाइक हम लोग भी छोटे थे तो प्लेट में जो कुछ छोड़ देते वो हमारी अम्मी फिनिश कर लेती है. कंप्लेन नहीं करनी चाहिए उसके बाद कि जी मैं मोटी हो रही हूँ. राइट. जब आप सब खत्म कर रही है तो फिर आप मोटी होंगी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और कुछ लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट भी है कि वो लोग स्टार्विंग करते हैं. mm-hmm. तो फाको का नाम डाइट नहीं है. mm-hmm. वो भी आपको खराब करती है, वो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम इश्यूज पैदा करती है. mm-hmm. तो बेसिकली हमारे रिलीजन में एक बात कही गई है कि न्याना रवि. राइट. तो बेसिकली हमने बीच में रहना है हर चीज के, कि ना इधर ना उधर. कहीं पर भी आप इधर इधर ज्यादा करेंगे तो वो बैलेंस आउट हो. राइट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अब आते हैं आपकी एक्टिंग की तरफ. सदफ, आपने कब से स्टार्ट लिया एक्टिंग का? इट्स बीन आई थिंक 2009 या 10 इस तरह था. लाइक आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज. ओके. Okay. And what about you, Omair? आपने? मैंने 2003 में स्टार्ट किया था. प्रोफेशनली कह लें कि पहला ड्रामा किया था मैंने जी. रुस्तम और सौरभ, इंडस विजन एक चैनल होता था हमारा जी जी, उससे मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था. okay. लेकिन हाँ, मैं मॉडलिंग उससे पहले से करता था, फैशन right. शोज करता था, कमर्शियल्स mm-hmm. करता था. एक्टिंग प्रॉपर कह सकते हैं वो 2003 में स्टार्ट की जी. आप अभी कोई रिसेंट कोई फिल्म भी कर रहे हैं? हमने सुना, आई हर्ड अबाउट इट, आई वांट टू नो. हाँ, बस एक फिल्म जो है उसमें बेसिकली मैं गया तो एज एन एक्टर ही था जी, लेकिन उधर सेट पे जाके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि मुझे एज अ डायरेक्टर भी उसमें आना पड़ा. और समझ लें कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ए टू जी उस फिल्म को कंप्लीट करने में मुझे सारा अपना जो है वो पार्ट प्ले करना पड़ा, सारी चीज़ें करनी पड़ी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 95% तकरीबन कंप्लीट हो गई. okay, है. अब कुछ कराची की शूट बाकी है हमारी, वो डेफिनेटली हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह लेट्स सी देखें कब रिलीज पे आती है और कब कैसे. एक्चुअली वो प्रॉब्लम तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम लोग को एक आदत है कि अपने प्रोजेक्ट्स पे एफर्ट करने की. राइट. एग्जैक्टली. अभी आपने देखा कि मैं मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं इसकी क्या हैंडल को जला दूं किसी तरह. जी बिल्कुल. मुझे ये होता है कि जो चीज जहाँ मैं या उमैर है तो वो स्क्रीन ऑर्गेनाइज होना चाहिए. लाइक अगर हम काम करें तो इट्स नॉट लाइक यू आर लाइक डूइंग जस्ट योर साइड. एग्जैक्टली. यू आर ट्राई टू डू द टीम वर्क. बहुत जरूरी है टीम वर्क. बहुत जरूरी है. I agree. बिल्कुल. ये जो है आप देख रहे व्यूअर्स, ये यहाँ जो कैंडल जल रही है, ये हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब सदफ ने किया है. और ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप इससे इनको समझ सकते हैं कि ये हाउ लाइक शी इज लाइक प्रॉपर वे में जो है ये ऑर्गेनाइज है. बहुत आपका घर भी माशाल्लाह. मेरी पूरी फिल्म का जो वार्डरोब था वो सब सदफ ने डिजाइन किया था. wow. सारी चीजें सदफ ने की. वाओ. इंटीरियर डिजाइनर भी हैं आप?
मैं आर्ट डायरेक्शन कर सकती हूँ. इंटीरियर का मुझे नहीं है, मैं अपने इंटीरियर अपने डिजाइन कर लूँ करके ठीक है, लेकिन मुझे हाँ मुझे आर्ट डायरेक्शन का शौक है, हाँ मैं चीज़ें कर सकती हूँ. ओके सदफ, मेरा सवाल आपसे है कि उमैर वैसे तो स्क्रीन पर ही लुक्स लाइक सो सोबर पोलाइट लाइक सॉफ्ट मैनर, सो हाउ अबाउट इन द रियल लाइफ विद यू पर्सनल एक्सपीरियंस? सच बोलना है झूठ बोलना है? नहीं सच बोलना है, सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है. कुछ सिचुएशन में उमैर बिल्कुल सोबर नहीं है. ओके लेकिन लेकिन उमैर का दिमाग बहुत ज़्यादा ना हाजिर जवाब है. ही इज़ हिलेरियस, क्योंकि समटाइम्स मैं वो हो जाती हूँ कि मैं क्या मतलब मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ, आप मतलब इसको नॉर्मल सीरियस एक डिस्कशन ख़त्म हो सकती है, आपने उसमें घुमा के और मुझे ला के उसको बताना आता है. तो कहती हूँ नहीं मेरे से नहीं होता, तो कहते हैं तुम जो है ना मजाक का मज़ा ख़त्म कर देती है. तो मैं ये उमैर को उमैर थोड़ा सा है मजाक और इस तरह ना चीज़ें करना और टॉन्ट करना तंग करना, लेकिन मैं कभी कभी ऐसी हो जाती हूँ कि नहीं कि जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं ज़रा सीरियस मोड पे. और मेरा मानना ये है कि काम के वक्त अगर आप माहौल अच्छा नहीं रखेंगे तो सब टेंस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग योर टीम, यू, योर डायरेक्टर्स, योर प्रोड्यूसर्स, एवरीवन, जो भी सेट पे होगा ना, अगर आप यूं बैठे हुए हैं तो वो जाहिर सी बात है हम शुरू से ही घर से अच्छा मूड बना रहा है, अच्छा मूड बना के चलेंगे तो सेट तक अच्छा पहुंचता है. अच्छा मेरे साथ ये है कि मैं मल्टीटास्कर हूं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. अच्छा वो भी है, मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं लिख भी रही हूँ तो मैं फोन पे भी बात कर रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं कर सकती हूँ. अच्छा उसमें एक तीसरी चीज उमैर की आप साथ जाते हैं या लाइक हम साथ आपने उमैर के साथ काम किया काफी बहुत काम क्या कहना चाहेंगी आप? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम? मैंने उमैर से बहुत सीखा है, बहुत सीखा है. मतलब उमैर की सीनियोरिटी का मुझे आज भी डर होता है. जब हम सोलो सीन्स कर रहे होते हैं जी, तो मैं कहती हूँ आप जाए मैं नहीं कर सकती सोलो. इवन के मैं और सारे मेरे जितने भी कोलीग्स हैं उनके साथ काम करती हूँ, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती. लेकिन उमैर के साथ काम करते हुए मुझे अभी भी एक प्रेशर फील होता है कि अब इन्होंने एक मेरी गलती निकालनी है कि नहीं नहीं यहाँ फ्रॉन आ रहा है, यहाँ तुमने हंसी अच्छी नहीं दी, यहाँ ये नहीं दिया. तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए आप चले जाए. प्रेशर क्या होता है घर में तो बेचारे मियाँ की क्या औकात होती है ना. एग्जैक्टली मैं अब आप मेरे घर में जो है आपने वो उसको बेचारे को वैसा रखा हुआ होता है और सेट पे जब वो जाता है तो वो सीनियर है और उसे पता है बहुत सारी चीजें हर एंगल से तो उसमें परेशानी हो जाती है यार इसकी बात कैसे सुनी जाए. एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही होता है कि आई कैन नॉट ड्राइव विद माय हस्बैंड, यू नो जब मैं उनके साथ ड्राइव करती हूँ तो मुझे मतलब खौफ लगा रहता है और मुझे अंदर से होता है नहीं यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और जब मैं अकेले होती हूँ तो आई फील लाइक फील फ्री. कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई गलती भी हो गई चलो खुद ही सेट कर लेंगे, यू नो दैट्स ट्रू, आई एग्री विद दैट. यहीं पर बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही है व्यूवर्स, यहीं पर एक ब्रेक का वक्त होता है. इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. देखते रहिए देसी टीवी यूएसए. इवनिंग विद निशा, वेलकम बैक. यू आर वॉचिंग इवनिंग विद निशा और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे क्यूट से कपल. आइए हम उनसे कंटिन्यू करते हैं. जी उमैर साहब, ये बताइएगा कि आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसके साथ चल रहे हैं? मैं देख रही थी रुबीना अशरफ के साथ भी आपका चल रहा है, आप उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? पीटीवी का बेसिकली ईद प्ले है. ओह वाओ, तो मजे का. आपा के साथ कर रहा हूं और मैंने अपना पहला सीरियल रुबीना आपा के साथ किया था और आफ्टर 15 इयर्स मैंने उनके साथ काम किया. आफ्टर ओह लॉन्ग टाइम. ओके, तो सेट पे भी जब हमें मुलाकात हुई है तो आपने कहा यार कितना अरसा हो गया ना तुम्हारे साथ काम किए, पहला तुमने काम किया और उसके बाद मुलाकातें तो वैसे होती रहती हैं लेकिन ऑब्वियसली काम का जो सिलसिला वो इतने अरसे के बाद बना. सीनियर हैं, उनसे सीखने को. मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैं उनके साथ परफॉर्म कर रहा था, सीन था मेरी मदर बनी हुई थी जी. मैं कमरे में एंटर होता हूँ रात में छुपके से ना घर में आता हूँ तो माँ बैठी होती है सामने, माँ पकड़ लेती है. ओके, तो उसमें उनको दिखाया था कि वो सिंगल मदर हैं और मुझे इस तरीके से वो कह रही हैं पाल रही हैं, तो मैं एंटर होता हूँ तो मुझे डांटती हैं
अच्छा मेरा पहला सीन था उनके साथ ओके उन्होंने इस तरीके से डांटा कि मैं डर गया मैं लेने आया हुआ था मैं रोना शुरू हो गया था लिटरली तो डायरेक्टर उठ के आया कि भाई क्या हो गया वो सीन में डांट रही है और इधर डांट रही है राइट मतलब इट्स अ बिग थिंग कि आपने स्टार्ट जो है वो इतनी बड़ी स्टार के साथ जी जी माशाल्लाह रबीना पति तलत हुसैन साहब थे लेट शफी मोहम्मद साहब थे समी सानी थे बहुत बड़ी कास्ट थी मोहसिन हसन खान थे हमारे जो पुराने क्रिकेटर हैं वो उसमें रुस्तम बने हुए थे मैं सोहराब बना हुआ था ओके अगर उमैर खान आपको ये कहा जाए कि आप इंडियन मूवीज़ में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें सो व्हाट यू गोना डू अबाउट इट इंडियन मूवीज़ में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इट्स नॉट अ बिग थिंग ओके पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना दैट्स अ ग्रेट आंसर फर्स्ट टाइम आई गॉट अपने आप को पाकिस्तानी मनवाना पैट्रियट होना बहुत ज़रूरी है आप पाकिस्तानी हैं तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास एक ट्रेंड चलता है कि हाँ आपने इंडिया में काम किया है तो आप बड़े आर्टिस्ट हो गए जबकि ऐसा नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसा आर्टिस्ट मौजूद है जिसे शायद कभी चांस नहीं मिला जो बाहर जाके काम कर सके और अपना बता सके कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ लेकिन वो मौजूद हैं ठीक है हमारे साथ इशू क्या होता है कि हम एज अ नेशन हम ये देखते हैं अच्छा वहाँ काम कर लिए बस वो बड़ा आर्टिस्ट हो गया नहीं ऐसी बात नहीं है आर्टिस्ट सारे यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बड़ा काम कर रहे हैं वही आर्टिस्ट वहाँ जाके जब काम कर रहा है तो बड़ा ही काम कर रहा है ना तो भाई वो यहाँ पे भी कर सकता है उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए तो मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं वहाँ जाके काम करूँ या मुझे बहुत ऑफर्स हुई 2005-06 में मैं दुबई में होता था तो मुझे वहाँ बालाजी से भी ऑफर्स हुई हैं ठीक है और बहुत सारी चीज़ें होती रही नहीं किया इसी वजह से कि ऐसे ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है पाकिस्तान में रह के काम कर सकते हैं कमा सकते हैं खा सकते हैं मैं आपको हैंडल कर सकता हूँ नहीं लेकिन देसी टीवी हमें बुलाएगा तो हम जरूर आएंगे क्योंकि वो देसी है कि अभी आपको इतने सारे कंट्रीज में देखा जा रहा है तो आपको पाकिस्तान से बाहर भी लोग बहुत पसंद करते हैं आपका जो वो था ये कैसी मोहब्बत है काफी हमारे इंडियंस जो हमारे नेबर्स थे वो इतना शौक से देखते थे और वो ये कहते थे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है वाकई में इवन मेरा एक और बड़ी मजे की बात बताऊं आपको हम दुबई में काजल शूट कर रहे थे तो हमारी कोई 100 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी थी तो उस जमाने में जियो इंडिया में भी आता था तो हमें बहुत सारे जो फैंस मिलते थे वो इंडियंस मिलते थे जो हमारा काजल देख रहे होते थे और वो आके कहते थे कि आपका जियो पे ड्रामा चल रहा है ना काजल हमने कहा जी उसी की शूट भी चल रही है देखिए आप तो वो ऐसे इंडियंस भी आके मिलते थे ऐसा नहीं है कि वो बहुत पसंद करते हैं उसमें और फिर बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊँ कि जब हम काजल कर रहे थे तो बालाजी वालों ने एक और काजल एज इट इज इसको देख के सोनी पे शुरू किया था Oh wow, that's the great thing. और उसको देख के ही मुझे ऑफर्स हुई थी बालाजी की तरफ से. Oh, that's great. I'm proud of you, Omair. मैंने माशाल्लाह से इंटरनेशनली भी बहुत काम किया है. मैंने मिडल ईस्ट में जब मैं था, दुबई में था, तो मैंने कमर्शियल्स बहुत किए हैं उसकी लोकल मार्केट के लिए, इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें की हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं किया काम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे. अब हमारे साथ भी करने वाले आगे. इंशाल्लाह. मैं यही बता रही थी कि मेरा भी एक प्रोजेक्ट था खुदा और मोहब्बत. ओ या तो मैं भी आज तक लोग इतने साल हो गए इस प्रोजेक्ट को लेकिन आज तक लोग मुझे कहते हैं आप निगत हैं आप निगत हैं जी बिल्कुल खुदा उसका टाइटल सॉन्ग माय गॉड आई लव इट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त मेरी बहन मेरी समझे के मुझे सिखाने वालों में से है वो जुबेरिया सऊद ने खुद लिखा है वो गाना जी जी बिल्कुल और इसका जो पार्ट टू था मेरे ख्याल है वो ह्यूस्टन में उसको शूट किया गया कुछ 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 पार्ट टू था वो जो कॉलेज था सेंट जैक वो ह्यूस्टन जी 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 वो ह्यूस्टन में शूट किया गया आई रियली लव इट दिस ड्रामा लव इट टाइटल सॉन्ग एंड एक्टिंग एंड एवरीथिंग इट्स गुड अच्छा सदब अब हम आते हैं थोड़ा मदरहुड साइड लाइक आपके माशाल्लाह से दो बच्चे हैं दो बेटे राइट तो लाइक आप क्या समझती हैं कि बच्चों को इतना ज़ाहिर है आपकी टफ़ लाइफ है टफ़ स्केड्यूल है सो हाउ यू गोना मैनेज देम लाइक किस तरह से आप क्या समझती किस तरह से जो है वो बच्चों को डील देनी मतलब डील करना चाहिए कि जो है आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से अच्छा मैंने बहुत अपने पीक टाइम पर शोबिज़ छोड़ दिया था मैंने 4-5 साल बीच में काम नहीं किया और उस वक्त मुझे मतलब वो मेरा वो टाइम था जब मेरे पर डेट्स भी नहीं होती थी और मैं कहती थी मैं मुझे तो नहीं समझ आ रहा अपनी डेट्स कैसे मैनेज करूँ लेकिन उस वक्त छोड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लाइफ में आप मेरे ख्याल में हर चीज़ आपका प्रोजेक्ट होती है वो भी मेरा फ्यूचर है वो मेरे बुढ़ापे का फ्यूचर है तो मुझे उनको टाइम देना बड़ा ज़रूरी था और जो छोटी एज में बच्चे होते हैं ना उनको बड़ी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं समझाना पड़ता है
गुड टच बैड टच बहुत सारी चीज़ें होती हैं right. तो मैं समझती हूँ कि मैं उस टाइम पे मैनेज नहीं कर सकती थी तो मैंने नहीं किया. हाँ मैं ऑन एंड ऑफ कर लेती थी कभी अगर काम में मेरा दिल किया तो मैंने कर लिया एक शॉर्ट टर्म के लिए right. लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं नहीं फंसती थी कि नहीं नहीं मैं छः छः महीने बिजी हूँ मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ yeah, या इस तरह. लेकिन अब माशाल्लाह वो बड़े हो गए तो दे लाइक ही इज मेरा बड़ा वाला जो बच्चा है वो टीन एज में आ गया है mm-hmm. तो अब मुझे ये होता है कि नहीं अब मैंने इतनी अच्छी तरबियत कर दी है कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ और मैंने अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन किया है कि एज अ फ्रेंड भी है mm-hmm. और हमारे घर में ऐसा नहीं हम बहुत अमेरिकन सिस्टम में रहते हैं मतलब इस घर में मेरे घर में mm-hmm. कि अपने बर्तन खुद दो उठो ग्लास उठाओ झाड़ू लगाओ ये करो बाथरूम गंदा किया धोकर आओ. ये अच्छी बात तंग नहीं करते. अच्छा शुरू से तंग नहीं करते. हमारा बड़ा वाला बेटा जब वो पैदा हुआ 1.5 साल का था मुझे याद है तो हम उसको बता के जाते थे बेटा बाबा मामा शूट पे जा रहे हैं तो आपने तंग नहीं करने oh. यू करता wow. था वो यूज टू हैं अल्हम्दुलिल्लाह okay. उन्हें पता है बाबा मामा ने शूट पे भी जाना है सारी चीजें काम भी करना है जाएंगे तो काम करेंगे तो पैसे आएंगे. घर से ऐसा आता है ना कॉल आती है छोटे बेटे की कहाँ रह गए देर हो गई है तो मेरी माँ हो चुकी है कहाँ रह गई बहुत देर हो गई मेरे शट अप मैं आ जाऊंगी मुझे जाना होगा राइट right. क्योंकि बच्चों को यही होता है ना कि भाई मामा पापा जल्दी से घर आ गए. मेरी भी छोटी बेटी है जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो वो शी वॉज लाइक एडोर यू नो लाइक अभी बेल रिंग होगी और शी इज लाइक ब्लास्ट मम्मी आ गई तो बच्चों का नहीं इनको वैसे फिक्र नहीं होती थ्रू आउट द डे ओके. लेकिन जैसे ही कोई 11-12 बजते हैं जब रात देर हो रही है तो फिर जैसे अम्मा ही कॉल करती है ना एक बड़ी मजे की आदत है. मैं अभी कल परसों इनको कह रहा था दोनों छोटों को मैं जब आता हूँ ना घर में ये दोनों छुप जाते हैं. इतने बड़े बड़े हो गए ये दोनों छुप जाएंगे कि अब बाबा आए और हमें ढूंढेंगे. अब क्या बड़े हो गए हो भाई अब अभी तक तुम लोग वही हरकतें कर रहे होते मतलब उनको मजा आता है. अच्छा या तो अब मैं अगर एंटर हो गया उन्होंने नहीं पता चला कि बाबा आ गए तो जहाँ होंगे ना वहाँ सो जाएंगे. बड़ा मजे का सीरियल था वो भी बड़ा अच्छा सीरियल था. अंजुम शहजाद ने उसे डायरेक्ट किया था. क्या नाम था उसका अमूरा पिया शेख और अदील उसमें इसके पेरेंट्स बने हुए थे और बड़ा बोल्ड टॉपिक था. बच्चे पे ही स्टोरी थी सारी. ओके दैट्स अ ग्रेट थिंग. आर्टिस्ट से आर्टिस्ट आ रहे हैं बस हमारे शो का वक्त एकदम से अभी बस 20 मिनट्स यू नो ऐसे निकलते पता भी नहीं चलता. सीरियसली नहीं बहुत कम है. आखिर में मैं आपसे जो है वो मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने ओवरसीज चाहे वो पाकिस्तानी हो इंडियंस हो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको. मैं ये कहना चाहूँगा जो भी हमारे प्यारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं और जहाँ जहाँ तक हमारी शक्लें और हमारी आवाज़ जा रही है उन सबको ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हों अपने आप से और अपने मुल्क से ज़रूर मोहब्बत कीजिए. भले आप इंडियन हैं भले आप पाकिस्तानी हैं भले आप कहीं के भी शहरी हैं आप अपने आप से और अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे तो आपको उसका रिस्पॉन्ड पता चलेगा कि हाँ आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और आपका मुल्क फिर आपके लिए काम करता है. ज़मीन है आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी तो ऑब्वियसली आप ज़रखेज़ होंगे आपकी आने वाली नस्लें और फसलें ज़रखेज़ होंगी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे उमैर एंड सदफ. इसके साथ ही हमारे शो का वक्त खत्म होता है इंशाल्लाह. और आपके शो के लिए बहुत सारा गुड लक एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. आपका चैनल जो है देसी टीवी यूएसए उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस और अल्लाह पाक कामयाब करे. थैंक यू सो मच एक बार फिर उमैर एंड सदफ. जी व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा. हमने बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें की. बहुत ही क्यूट सा कपल आज हमारे साथ मौजूद था और मैं आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इवनिंग शो के साथ नए सेलिब्रिटीज़ के साथ या नए स्टार के साथ. तब तक के लिए अपनी होस्ट निसा हुनैन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए.